हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न आजकल शुद्ध वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हम सब लोग एक एक शब्द को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको हिंदी से शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड से हिंदी लिखना बताया था। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को शब्दों को जोड़कर बताऊंगी कि इन शब्दों को जोड़कर कैसे लिखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने कल लिखा हुआ है, तो कल को देखिए कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये मैंने का लिखा और ये मैंने ऊपर वाला ला लिख दिया। ओके, ये जैसा कि हम और मैं आपको नीचे वाले ला से भी बताती हूँ। मैं आपको कोशिश करूँगी कि हर टाइप से बताऊँ जिससे आपको क्लियर हो। ये देखिए, ये हमने का बनाया क्योंकि का हमारा लाइन पर बनता था और नीचे वाला ला, तो यहीं से हमने नीचे वाला ला जोड़ दिया। आपने देखा होगा कि इंग्लिश कर्सिव राइटिंग में हम लोग वर्ड्स को जोड़ के लिखते हैं। उसमें कर्सिव राइटिंग का मतलब होता है कि पेंसिल ना उठाना। सेम थिंग हम शॉर्ट हैंड में यूज़ करेंगे कि कर्सिव जैसा इसमें मेथड होगा, पेंसिल हमें नहीं उठानी है। आगे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा खल लिखा है, तो खल हम कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा ख यानी कि का लिखा और ये ला लिखा। पेंसिल नहीं उठानी, जब हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपनी पेंसिल उठाएंगे। ये देखिए, मैंने कल लिखा है, इसमें मैं कट कर दूंगी तो ये खल बन जाएगा। सेम थिंग, ये देखिए, कल, क में कट किया, बना खल। ओके, नेक्स्ट घर। ये देखिए, ये है मेरा घा, गा है ये, बट अब मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये मैंने ऊपर वाला रा यूज़ किया और ये कट आ गया घर। अब ये देखिए, मैं आपको नीचे वाले रा से भी बता देती हूँ। ये देखिए, ग और रा, इसमें ये कट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये घा तो यहाँ बनता है, बट मैंने यहाँ क्यों बनाया। इसलिए मैंने बनाया कि जब हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम वर्ड लिखें तो इस लाइन के बीच में हो, जैसे कि ये जो है ये लाइन से नीचे आ गया है ना, जबकि ये लाइन पर ही है, इस लाइन से इस लाइन के बीच में है, तो ये लाइन के बीच में हुआ, बट ये तो इस लाइन से शुरू किया और ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो इसलिए हमारा मेनली ये वाला सही होगा, ये मेरे मेथड सही होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ग र म, ये देखिए, इसमें मैंने ये वाले कट वाले माँ का यूज़ किया, जबकि मैंने आपको कहा था कि मैं बिना कट वाले माँ का यूज़ करूँगी। हम इसमें दोनों ही फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट सही फॉर्म ये है। ये क्यों है, क्योंकि मैं आपको ये भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ग र म। अब आप देखिए, आपको कौन सा क्लियर लग रहा है, ये और ये। ये क्यों क्लियर लग रहा है, क्योंकि इसमें ये देखिए, इसमें शब्दों का घुमाव समझ में आ रहा है। इसमें तो पता ही नहीं चला रा कब ख़त्म हुआ और माँ कब शुरू हो गया, तो बेसिकली हमारा ये वाला स्टेप सही होगा। आगे चलते हैं शर्म में। ये देखिए, श र म, शर्म। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट शा वाला भी बताती हूँ। ये देखिए, श, जब हम ये लेफ़्ट वाला शा यूज़ करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि नीचे वाला रा यूज़ करें। ये देखिए, र म, क्योंकि अपोजिट वर्ड यूज़ होंगे इसमें। अगर हम राइट वाला सा यूज़ करेंगे तो ऊपर वाला, ओके, और जब हम लेफ़्ट वाला यूज़ करेंगे तो नीचे वाला। ओके, ये थोड़ा धारा बहती है ना, ये देखिए, ये धारा बह रही है ऐसे ऐसे करके। ओके, तो वैसे हम ये वाला ये यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पर। ये देखिए, पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए, ये साधारण सा बनेगा, ये प और ये रा। ओके, ये कर्सिव राइटिंग जैसा है ना, मैंने बताया ना आपको, पेंसिल नहीं उठनी है और पेंसिल लगातार शार्प करते रहिएगा। इसको ये लीजिए, मैं आपको दूसरे फॉर्म में भी बता देती हूँ, ये लीजिए। ओके, तर, ये लीजिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये देखिए, ये शर्म में भी मैंने यही किया था कि जब राइट वाला यूज़ किया था तो ऊपर वाला रा, और ये देखिए, ये
सेम थिंग मैंने यूज़ किया है, इसको मैंने ये देखिए ये और ये सेम थिंग है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए ये खटक है। खटक जो है इसका रियल मतलब सही फॉर्म ऐसा है, ओके। अब आप लोग सोचोगे मैंने यहाँ खा क्यों बनाया, खा तो लाइन पर बनता है। मैंने आपको बताया ना कि ख ट क मैं ऐसे लिखूँगी, तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हम इस लाइन के अंदर लिखें, ओके। जिस वर्ड ये इस लाइन में, ये देखिए ये मेरा वर्ड इस लाइन पे लिखा है ना, इस लाइन के अंदर, तो मेरा वर्ड इस लाइन के अंदर होना चाहिए। चूँकि आप बेसिक स्टेप में सीख रहे हैं तो आप ये लिखें या ये लिखें आपके लिए दोनों सही है, लेकिन आगे आपका ये सही माना जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये मटक, म ट क, ये मटक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बट ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये क्लियर है, ओके, ये सही फॉर्म है। चटक, च ट क, ये मैंने चा बनाया, टा बनाया, का बनाया, इसमें तो कोई सेकंड फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टपक, टा प क, इसका भी कोई सेकंड फॉर्म नहीं है। तो नेक्स्ट ये देखिए, ता, ता में अगर मैंने ऊपर वाला रा यूज़ करना है तो ये वाला ता बनेगा, अगर मुझे नीचे वाला रा यूज़ करना है तो लेफ्ट वाला बनेगा, ओके। ये तड़प, ये कट लगा दिया। सड़क, तड़प, भड़क, ये देखिए भड़क, देखिए ये भ ड क, भड़क, क्लियर है। ये देखिए लपक, ल प क, लपक। नेक्स्ट अंगा, ये देखिए अंगा, मैंने आपको बताया था कि अर्ध चंद्रमाकार खुला हुआ चांद डार्क बनेगा, ओके। आई होप आप सभी को ये सारे वर्ड्स जोड़कर लिखने आ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शब्द बताऊंगी कि उनको कैसे लिखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।